एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक और नया ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम है PVL सक्षम लॉयल्टी प्रोग्राम, क्योंकि मेरे सामने आप देख सकते हैं प्रणव विकास सक्षम लॉयल्टी ऐप है। तो अगर इसमें दोस्तों आपने पहले से ही ID बना के रखा है तो आप इसमें सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली इसको क्लिक करके मोबाइल नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट बटन प्रेस कर देना है। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को, तो जहाँ पर नीचे भी ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर नाउ का, और जहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है बैक में रजिस्टर करने का, तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे कुछ डेटा आपसे मांगा जाएगा वो आपको फिलअप करना है, जिसमें कि जैसे कि रहेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड ये रहेगा। उसके बाद आप इसको टिक करके रजिस्टर करना है। आपने सिंपली इसको कैसे करना है वो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। इसके अंदर के फीचर क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली दोस्तों जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है सक्सेस प्रोफाइल एडिट सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद ओके होने के बाद दोस्तों जहाँ पे बैक आ चुका है देख सकते हैं, जहाँ पे वेलकम लिख के आ रहा है, मोबाइल नंबर एंटर करना, फिर नेक्स्ट एंटर करना है। इसमें देखता हूँ मैं इसमें रजिस्टर नेक्स्ट स्टेप आ पाता है कि नहीं आ पाता है। मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, मैं फटाफट इसमें देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस करने के बाद जहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होने के बाद जहाँ पे आ गए OTP सेंट ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो OTP का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि OTP भी वहाँ पे मुझे आ चुका है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो OTP मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद कुछ इसमें से परमिशन मांगी जा रही है मेरे से, तो इसको कर देता हूँ इस टाइप से एक्सेप्ट, कैमरा परमिशन ग्रांटेड हो चुका है, यानी कि ऐप मेरा अब सिंपली ओपन हो चुका है बिल्कुल ही आसानी तरीके से। सिंपल से इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, कलेक्ट किया जाएगा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वो आपने फिलअप करना है और इसमें रजिस्टर्ड हो जाना है। देखिए क्या है, इसकी तरह से फास्ट, ईजी एंड सिक्योर अनलॉक इंस्टेंट रिडीम्पशन थ्रू UPI के थ्रू आसानी से आप रिडीम कर सकते हैं। क्या लिखा, स्कैन द QR कोड ऑन द प्रणव विकास प्रोडक्ट टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड। जो भी इनके प्रणव विकास का कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें QR कोड को आपको स्कैन करना है, उसमें से एक्साइटिंग आप रिवॉर्ड जीत सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से या तो इसको मैं भी क्रॉस कर देता हूँ। इस टाइप से क्रॉस करने के बाद जहाँ पे देख सकते हैं वेलकम नाम आ चुका है गुडू, स्कैन एंड अर्न एक्साइटिंग रिवॉर्ड विद प्रणव विकास सक्षम लॉयल्टी प्रोग्राम, अर्न 0 है, रिडीम्पशन 0 है, बैलेंस 0 है, अपकमिंग रिडीम्पशन 0.0। और कैसे इसमें क्या करना है, वॉलेट को अगर मैं नीचे ऑप्शन की बात करूँ, जिनसे 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो पहला होम है, वॉलेट है, तीसरा स्कैन है, चौथा रिवॉर्ड है, 5वां मेन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और रिडीम्पशन नाउ पे अगर ये सामने है 0 पॉइंट, अगर मैं इसको क्लिक करूँ रिडीम नाउ को, तो रिडीम नाउ को क्लिक करने के बाद जहाँ पे देख सकते हैं अर्न पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट, रिडीम्पशन, इसमें ये सब दिख रहा है आपको अभी कुछ भी, क्योंकि मैंने अभी पॉइंट अर्न ही नहीं किया तो रिडीम कैसे कर पाऊँगा मैं। सिंपली तो अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, रिवॉर्ड हिस्ट्री में भी कुछ नहीं आएगा। वॉलेट को क्लिक करें तो जैसे कि वहाँ पर टॉप पर भी आपको दिखा रहा था वॉलेट 0 है। और स्कैन करने के बाद स्कैन को हम इस टाइप से क्लिक करें तो QR कोड प्लेस करना है, स्कैन हो जाएगा इसमें कूपन। ठीक है आपका, तो मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद अब मैं रिवॉर्ड की बात करूँ, रिवॉर्ड को अगर मैं क्लिक करूँ इसको, तो प्रोसेस हो रहा, प्रोसेस होने के बाद जहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से है, एलिमिनेट डाटाबेस, ठीक है, इस टाइप से लिख के आ रहा कुछ इनका, तो बहुत सारे इन्होंने दिए हैं इन्फॉर्मेशन, वेंडर वगैरह ये सब, तो इस टाइप से आएगा। बट अभी रिवॉर्ड इन्होंने हो सकता है अभी अपडेट नहीं किया होगा इसमें, तो आप देख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से क्या क्या है इसमें। अगर मैं मेन्यू के क्लिक करूँ तो मेन्यू में आपके पास देख सकते हैं कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए पहला आपका नाम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, प्रोफाइल को व्यू करना तो इसमें एरो का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे चले जाएंगे फर्स्ट। उसके बाद नीचे नोटिफिकेशन ऑप्शन मिल रहा है, लैंग्वेज का मिल रहा है, रेज ए कंप्लेन, रेज ए टिकट, यानी इसमें कंप्लेन भी आप रेज कर सकते हैं। ऑफर एंड बिन बैजेस हैं, स्पिन एंड बिन, अगर स्पिन एंड बिन को अगर आप क्लिक करें तो इसमें देख सकते हैं अवार्ड 1 से लेकर 10 तक है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड अवेटिंग फॉर यू, द गेम इज एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, एंटरटेनमेंट के लिए है ये, इस टाइप से बनाया गया है। वॉलेट है, लीडर बोर्ड है, अगर लीडर बोर्ड को आप क्लिक करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक नंबर पे रैंक है जिसका 2065 पॉइंट है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने अभी गुड्डू कुमार है, नीचे अभी 00 आ रहा है। ठीक है, बाकी कस्टमर का डिटेल ऊपर आ जाएगा, जो भी टॉप पे होगा उनका आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों नीचे देख सकते हैं प्रोग्राम बुकलेट, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से इनके प्रोडक्ट हैं, क्या है, इसके बारे में कुछ भी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, FAQs वगैरह जो भी है, डाउट वगैरह ऐप से रिलेटेड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं, KYC कैसे करना है, क्या नहीं क्या है, सब इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी।
ठीक है, इस टाइप से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट अस में, तो इसको मैं अभी बैक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट अस को अगर मैं क्लिक करूँ तो इनका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मैंशन किया गया है, मंडे टू फ्राइडे ओपन है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक, यानी 9:30 से 6:30 तक ये खुला रहेगा। आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कभी भी, तो काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट हेल्पलाइन भी दी है, कोई प्रॉब्लम हो ऐप से संबंधित इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सिंपली। तो इसके अलावा बाकी नीचे दोस्तों लॉगआउट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको सिंपली आप लॉगआउट कर सकते हैं, जहाँ से नोटिफिकेशन ऑप्शन जहाँ पे है आपको मिल जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगी जहाँ पे शो हो जाएगा। लैंग्वेज बदलना चाहे तो आप इसे क्लिक करके वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन मिल रहा है, कंप्लेंट जहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वापस मैं होम पर आ जाता हूँ। तो इस टाइप से ऐप दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छा ऐप है, यूज़ करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें हेल्पलाइन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।